एवरीवन, आज तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में ग्रो ऐप में और इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपली यहाँ पे हम किसी भी स्टॉक का एग्जांपल ले रहे हैं, कोई वाइसल रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पे सिंपली हम टाटा स्टील का एग्जाम्पल ले रहे हैं। यहाँ पर टाटा स्टील का मैंने चार्ट ओपन कर लिया। इसका मार्केट प्राइस 178 रुपये और एक अंडे पर मैंने होल्ड रखा है। उसके बाद हम यहाँ पे ग्राफ पे क्लिक करेंगे। ग्राफ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसका ग्राफ शो हो जाएगा। यहाँ पे इसका वन डे का ग्राफ शो होने लग रहा है। यहाँ पे हम वॉल्यूम इंडिकेटर को हाइड कर देते हैं, रिमूव भी कर देते हैं। यहाँ पे सिंपली हमने वॉल्यूम इंडिकेटर को रिमूव कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे जो एरो दिख रहा है ना, इसको आप रोटेट कर सकते हो, जिससे ये रोटेट हो जाएगा तो मोबाइल में आसानी होगी देखने में। तो सिंपली हमने इस पर क्लिक करके रोटेट कर दिया है। तो आइए, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा पर मैं बता देता हूँ कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन से भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से। तो सिंपली यहाँ पे पेंसिल का आइकन दिख रहा होगा आप लोगों को। ये पेंसिल का आइकन नहीं दिख रहा तो मैं दिखा देता हूँ। ये रहा पेंसिल का आइकन दिख रहा है। सिंपली इस पेंसिल के आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ पर ये सेकेंड नंबर की जो दिख रही है ना, यहाँ पर जो सेकेंड नंबर की दिख रही है, ये यहाँ पर ट्रेंड लाइन है हमारी। इस पर सिंपली हमको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपली हमने क्लिक कर देना है कि ट्रेंड लाइन, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ऑप्शन दिख रहा होगा, ट्रेंड लाइन प्लॉट हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये एरो शो होने लगेगा। एरो शो होने लगेगा तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, जहाँ से भी मोस्ट ऑफ द टाइम ना प्राइस जहाँ से भी टच करके ऊपर बढ़ रही है, वहाँ से हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। तो सिंपली हमको यहाँ से ही दिख रहा होगा ये पॉइंट, आपको यहाँ पर हम एक लाइन खींचते हैं यहाँ से। ये जितने भी मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी टच कर रहे होगे ना, उसके बाद हम यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से इसने प्राइस को बार बार टच करा है और ऊपर गई है। ये देख सकते हो, यहाँ से बार बार प्राइस टच कर रहा है और फिर ऊपर जा रहा है, फिर प्राइस टच कर रहा है लाइन को, फिर ऊपर जा रहा है। तो इससे हमें आइडिया लग सकता है कि कैसे हमें ट्रेंड, एक और हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऊपर की साइड को, जिसकी यहाँ से ये सिंपली आपको यहाँ से करना एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ कर सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाएगी एक और ऊपर की तरफ। इसको मैं और नीचे की तरफ बढ़ा देती हूँ, ये मैंने और बढ़ा दी। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई है। सिंपली आप चाहो तो इसको ना, अगर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में कैंडल स्टिक पैटर्न में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में डिफ़िकल्टीज आ रही है, तो सिंपली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा चार्ट का ऑप्शन। चार्ट का ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लाइन चार्ट आ जाएगा। लाइन चार्ट पर आने के बाद आप सिंपली यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि मान लो एक्यूरेट नहीं है अभी, तो इसको और एक्यूरेट कर लेते हैं हम इसकी मदद से, और ये ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगी। यहाँ पर आपको आसानी होगी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने से, अगर आप लाइन ग्राफ यूज़ करते हो तो। यहाँ से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो सिंपली। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।